नमस्कार, मैं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। सीधा रुख करते हैं प्रदेश की अहम खबरों की ओर। उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की गुरुवार शाम मौत हो गई। मुख्तार बांदा जेल में बंद था, शाम को वह अचानक बेहोश हो गया। मुख्तार को बांदा के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुख्तार ने मरने से पहले आरोप लगाया था कि उसे जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। मौत के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। इसी कड़ी में सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने कोर्ट से मामले का संज्ञान लेने की अपील की है। शिवपाल यादव बदायूं से सपा के उम्मीदवार हैं, इस समय वह बदायूं के दौरे पर हैं। मुख्तार अंसारी की मौत पर उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी के परिवार से हमारे पुराने रिश्ते रहे हैं, आजादी की लड़ाई में इस परिवार का बड़ा योगदान रहा है। मुख्तार अंसारी की मौत संदेह के घेरे में है, कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मौत होती है तो प्रशासनिक अधिकारी से लेकर सरकार तक सबकी जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24x7 लाइव टीवी। देखिए, इस परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे और ये परिवार साहित्य आज़ादी के लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है, तो देखिए न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। देखिए, संदेह के घेरे में तो है ही मौत, तो कोर्ट को इसमें स्वयं ले लेना चाहिए। तो पैरोल इनके बेटे को मिलना चाहिए, किस तरीके से इस चीज़ को मानते हैं? देखिए, पैरोल का तो बात की साहब, जब उनके पिता की, अब्बास के पिता की मौत हुई है, तो देखिए डीएम को सुते जनाजा में सम्मिलित होने की परमिशन दे देना चाहिए।